नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने फैक यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, 75 करोड़ का मेगा जीएल जो ड्रीम इलेवन पे आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा भी ढेर सारे एप्लीकेशन पे बेहतरीन आपको जीएल देखने को मिल जाएंगे। ड्रीम इलेवन ड्रीम सेल के अकॉर्डिंग पहले 5 मैच में 55 करोड़पति बनने वाले हैं। तो 55 बनेंगे तो क्या पता उस 55 में से एक आध पीआर फैमिली का भी हो, तो उसको लेके हमारी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होंगी, क्या हमारी जीएल टीम होंगी, उसको लेके यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। जब जब आप जीएल खेलते हो आपकी 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहला, डेथ में बॉलिंग कौन डालेगा दोनों साइड से, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जीएल टीम दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, जीएल में आपकी अप्रोच क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो डेथ बॉलिंग दोनों साइड से कौन डालेगा वो जानना बेहद ही जरूरी है। स्पेशली MH चिदम्बरम स्टेडियम में जो मुकाबला होगा उसकी पिच रिपोर्ट क्या है, ये ज़्यादा जानना आपको जरूरी है। तीसरी, सामने वाली टीम में लेफ्टी कितने हैं, राइटी कितने हैं, टॉप 5 में कितने लेफ्टी कितने राइटी हैं, राजा भाई इसके पीछे क्या रीजन है। ग्लेन मैक्सवेल ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, सामने वाली टीम में आप ध्यान दोगे डेवन कॉनवे बाहर हैं, तो ओपन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। फिर उसके नीचे जाओगे शिवम दुबे, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। उससे नीचे जाओगे रविंद्र जडेजा, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। उमैन अली, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। मतलब टॉप 6 में 4 लेफ्टी, लेफ्टी मतलब ये ऑफ ब्रेक गेंदबाज आपको इस मैच में अच्छे खासे गेम में देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये सामने वाले टीम में मेन ऑफ ब्रेक गेंदबाज कौन होंगे, मयंक दागर शायद यहाँ पे ना खेले, जो मेन होंगे वो होंगे ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पे 4 ओवर की स्पेल आपको डालते नजर आने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। और जब मैक्सवेल जैसा प्लेयर 4 ओवर गेंदबाजी करे, बेहतरीन फील्डर है, उसके अलावा बैटिंग में जितना तारीफ करे उतना कम, रिसेंट फॉर्म अफगानिस्तान वाला नॉक किस किस की याद है, जब ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कन्फर्म हार जाएगी, वहाँ से अफगानिस्तान को ऐसी फेंटी दी हमारे मैक्सवेल साहब ने जो अफगानिस्तान अभी भी नहीं भूल पाएगा। उसके बाद फाइनल टीम में तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा मेरा, जीएल हो एसएल हो, वो बदलाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल पे इसके लिए आपको ज्वाइन करने होंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के सबसे टॉप कमेंट में देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको चले जाना है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद आपको दिखेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट लैंड कर जाइए टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और जीएल में आपको एक चीज बारीकी से देखना होगा, जैसे कि ये स्टैट्स आपके सामने होंगे, मैंने इस मैच का डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है, तो उस वीडियो को भी जाके एक बार देख लीजिएगा। रीजन क्या कि यहाँ पे तो मैं ब्रीफ में बातों को बताऊंगा, वहां पे मैंने जो है भैया एक्सप्लेन किए हैं कंप्लीट डिटेल्स में, बैटिंग ऑर्डर हो, मैचअप्स हो, फिर ढेर सारी चीजें जो आपकी काम की थी। अब देखिएगा, अगर चिदम्बरम स्टेडियम में नॉर्मली एवरेज इसको रहता है 140 से लेकर 160 के बीच में, वो तो भैया लास्ट IPL में रन बनने स्टार्ट हुए थे, उससे पहले तो रन ही नहीं बन रहे थे। हाइस्ट टोटल है 246, लोएस्ट टोटल है 70। अगर आप T20 स्टेट्स को लेकर बात करोगे ना, टोटल 132 मुकाबले खेले गए, जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 70, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 60 मुकाबला विन की है। यहाँ भी ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात करेंगे तो 150 से कम सबसे अधिक दफा बने, अगर आप चारों को कंपेयर करोगे तो। एक बात और आपको ध्यान देना होगा, कुछ आपको जो है ना अंतरात्मा से कॉल लेने होंगे भाई। अब ये मान के चलो डेवन कॉनवे अब्सेंट होंगे, दबाव किसके ऊपर होगा, ऋतुराज गायकवाड के ऊपर। मैं जब जब देखता हूँ गायकवाड खेलते हैं, शुरू के 2-3 मैच उनके बल्ले से रन बनना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद गायकवाड खुद को बताते हैं कि भैया मैं IPL का सुपरस्टार हूँ, उसके बाद जो गायकवाड रन करते हैं वो भाई साहब आपको भलीभांति पता होगा। देन आफ्टर कैप्टन का भी पद मिल गया है, कैप्टन का पद मिलने के बाद आपके ऊपर 2 तरह की बातें लागू होती है, एक आप किस टीम को कैप्टनसी कर रहे हो, भाई साहब आप कैप्टनसी करो CSK को, जो अपने आप में नाम ही काफी है, तो क्या इसका प्रेशर आपके ऊपर होगा। मुझे लगता है, अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे लग रहा है गायकवाड के ऊपर इस चीज का प्रेशर जरूर होगा कि वो CSK को कैप्टनसी करे। वो क्या एक रबर स्टंप की तरह कैप्टनसी करेगा, या फिर उनको कैप्टनसी किया मतलब फील्ड के ऊपर जो है ना वो करने को प्रॉपर मौका मिलेगा, वो देखने वाली बात होंगी, वो तो मैच बाकी टाइम ही मालूम चल जाएगा। मुझे लग रहा है गायकवाड़ थोड़े से यहाँ पे मुश्किल में आ सकते हैं।
उसके बाद आईपीएल में आपको एक चीज बारीकी से देखना है, जिसका होम ग्राउंड होगा उसका आप ये मान के चलो, अगर 100 दफा में से अगर आप सोचते हो कि 100 बार आरसीबी और सीएसके की टीम इस वेन्यू के ऊपर खेलेगी, आराम से 70 दफा जो है ना जीतेंगी कौन सी टीम, सीएसके की टीम, और 30 दफा जीतेंगी आरसीबी की टीम। तो जिसके होम ग्राउंड पे मुकाबला होगा उसके पास एज होगा। हाँ, इनका छोड़ दीजिएगा भाई, इनका जो होम ग्राउंड है ना चिन्नास्वामी, वो इनके लिए ही बेड़ा गर्क हो जाता है। रीजन क्या है कि इनकी बल्लेबाजी हमेशा से अच्छा रहा है, इनकी कमजोर पक्ष रहा है गेंदबाजी। इनके बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं ना तो बोर्ड पे अगर 240 का भी टारगेट लगा दे तो इनके गेंदबाज ये नहीं कह सकते कि मैं इसको डिफेंड करके लेके चला जाऊंगा। तो इनका जो होम ग्राउंड है वो सबका होम ग्राउंड है, लेकिन सबका जो होम ग्राउंड है वो इनका होम ग्राउंड नहीं है। तो अगर आप देखो कि इनका प्लेइंग 11 तो दिख रहा है आपको, फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, पटीदार, मैक्सवेल, महिपाल, कैमरन ग्रीन, कार्तिक, करण शर्मा, सिराज और वैशाख विजय कुमार के साथ अल्जारी जोसेफ होंगे। अब अगर हम बात करें इंपैक्ट प्लेयर को लेके, जी हाँ मेरे दोस्त, इंपैक्ट प्लेयर ही आपको मेगा जीएल जितवाने वाले हैं। क्या लगता है आपको कौन आएंगे इंपैक्ट प्लेयर में? मुझे लगता है ना कि यहाँ पे इनके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपको दिख जाएंगे अनुज रावत जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे, वन डाउन मोस्ट प्रोबेबली अनुज रावत आ सकते हैं, या फिर कभी कभी फिनिशर भी आते हैं। जब ये लास्ट टाइम इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे ना बेहतर नौ खेले थे लगभग 30 के आसपास का। इनके पास एक मिडिल क्रम में भी इंपैक्ट प्लेयर है जिसका नाम है एस प्रभुदेसाई, बेहतरीन टैलेंटेड बल्लेबाज में से एक, अच्छा प्लेयर है, उनको भी ये लोग एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर सकते हैं, या फिर ये लोग ऐसा कर सकते हैं अगर इनको लगा कि हमारे बल्लेबाज इनफ है भाई, हम तो यहाँ तक बल्लेबाजी कर लेंगे, करण शर्मा भी थोड़े बहुत बल्ला अपना घुमा लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक मेन गेंदबाज को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके आएंगे। इंपैक्ट प्लेयर का मैंने डिटेल्स वीडियो भी दे दिया है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे पहला मैच है ना, तो पहला मैच में आपको चीज़ें क्लियर होनी बेहद ही जरूरी है। इंपैक्ट प्लेयर का ये रूल है, आप पूरे मैच में एक प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हो, चाहे बैटिंग करवाने के बाद उसको बाहर कर दो, एक बैट्समैन लेके आ जाओ या फिर बॉलर लेके आ जाओ। लेकिन अगर आपने चार फॉरनर प्लेयर को प्लेइंग 11 में मौका दे दिया, इसका मतलब आप इंपैक्ट प्लेयर में फॉरनर प्लेयर को लेके नहीं आ सकते हो। सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने तीन प्लेयर को फॉरनर प्लेयर को मौका दिया प्लेइंग 11 में, इसका मतलब आप एक जो इंपैक्ट प्लेयर है उसमें फॉरनर प्लेयर को लेके आ सकते हो। ये बात हुई। उसके बाद कहीं ये मैंडेटरी नहीं है कि आप बैट्समैन को ही लेके आओ, आप बॉलर को ही लेके आओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको लेके आना चाहते हो। उसके बाद एक बड़ी बात ये है कि इंपैक्ट प्लेयर जो प्लेयर होकर बाहर जाएंगे, जिसको रिप्लेस किया जाएगा, वो फिर से फील्ड पे आके नहीं खेल सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है गेंदबाजी की। गेंदबाजी में देखिएगा ना आप, तो आपको देखने को मिल जाएंगे जोसेफ साहब, यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलिए जोसेफ साहब आपको दिख जाएंगे। मुझे लगता है इनका ऑलमोस्ट 4 ओवर जो है वो तो भैया कन्फर्म है। इनका 4 ओवर कैसे कट लोगे भाई, इतना पैसा लगा दियो जोसेफ के ऊपर फिर कैसे पैसा कट लोगे। जोसेफ का 4 ओवर कन्फर्म है, उसके अलावा सिराज का भी मुझे लगता है 4 ओवर कन्फर्म है। सामने इतने लेफ्टी है ना भाई, मैक्सवेल का आप ओवर नहीं काट सकते, 4 ओवर यहाँ से कन्फर्म है, मतलब 12 ओवर यहाँ से हो गया। और मुझे लगता है ना करण शर्मा का थोड़ा सा स्पेल यहाँ पे कट हो सकता है, तो ये मुझे लगता है 2 ओवर का स्पेल डालेंगे 14। वैशाख विजय कुमार अच्छे गेंदबाज हैं और इनसे आप 3 से 4 ओवर गेंदबाजी देख सकते हो, मतलब ये हो गया 17-18 ओवर। और अगर ये स्पिन ट्रैक वाली विकेट नहीं हुई, जिसको लेके मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से आप मान के चलना सी ग्रीन भी आके 2 ओवर डाल सकते हैं। तो ये कुछ लेखा जोखा रहा गेंदबाजी में। अब दोस्तों आप एक नज़र ध्यान से देखिएगा सीएसके का पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर। मैं तो प्लेइंग 11 देखते ही, पिच रिपोर्ट देखते ही बता दूंगा इस मैच में कौन से प्लेयर क्या करने वाले, और ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा भाई क्या होने वाला है। गायकवाड, मुझे लगता है ये बंदा फ्लॉप जाएगा, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा रचिन रविंद्र को लेकर बात कर लेना, तो ये यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, प्लस ओपन करते दिख जाएंगे या फिर वन डाउन आएंगे मोस्ट प्रोबेबली ओपन करेंगे, तो रविंद्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। रीजन, सामने वाली टीम में अगर अनुज रावत नहीं आते हैं एज एन इंपैक्ट प्लेयर ग्रुप में, तो सिर्फ एक लेफ्टी बल्लेबाज है महिपाल लोमडोर, उसके बाद सारे के सारे डाइटी बल्लेबाज हैं, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं रचिन रविंद्र वो आपको गेम में अच्छे खासे दिखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है अपना जडेजा भैया, यहाँ पे लेफ्ट आर्म कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, हमारे पीपीटी में होता है परिणाम करते हैं इसको सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जडेजा का भी आप अच्छा खासा स्पेल देखोगे 4 रन का, और हो सकता है धोनी स्पिन वाले गेंदबाज को हमेशा गेंदबाजी अच्छे खासे देते हैं, तो 4 यहाँ पे रचिन रविंद्र का, ठीक है। उसके बाद मोइन अली का स्पेल यहाँ पे कट जाएगा अगर स्पिन टू विन वाली विकेट नहीं हुआ तो।
हाँ एक कंडीशन है, अगर अनुज रावत मान लो आ जाता है वन डॉन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर और टू डॉन आता है महिपाल लॉन्गरोड, फिर तो भैया मोइन अली भैया आ जाएंगे अपने रूप में, एक दो विकेट लेके आराम से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लेइंग लेने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे। देन आफ्टर देखिएगा एम थिक्साना, ये आपको चार ओवर हमेशा डालते दिखेंगे, धोनी का अपना ये चेला माने जाते हैं। मुकेश चौधरी, शार्दुल ठाकुर, अब शार्दुल भैया फिट है कि नहीं फिट है, फिट होंगे तो वो दो ओवर भी करेंगे ना, तो बाकी के चार ओवर के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। रीजन क्या है, वो जब आएंगे विकेट लेके जाएंगे और जरूरत पड़ी ना तो अपनी लॉर्ड ठाकुर जो है ना दो चार बल्ले भी घुमा देंगे, जैसे मैं टूर्नामेंट वगैरह में घुमा देता हूँ। तो लॉर्ड ठाकुर खेलेंगे तो आप ट्राई कर लीजिएगा। अब दीपक चहर को लेकर अगर हम बात करें ना, तो आरसीबी की जो ओपनर बल्लेबाज हैं प्लेसिस और विराट कोहली, उसके बाद नंबर वन पे आएंगे पाटीदार, तीनों टेक्निकल साउंडेड प्लेयर हैं, तीनों में से कोई आराम से अपना विकेट फेंकेगा नहीं। अगर आप प्लेसिस को लेते हो, कोहली को लेते हो, फिर भैया आप मुझे बताओ चहर को क्यों लोगे, उस कंडीशन में आप चहर को ड्रॉप कर देना। ठीक है, वैसे ये भी डालेंगे तीन से चार ओवर और यहाँ पे मुकेश चौधरी भी डालेंगे तीन से चार ओवर, लेकिन इनके लिए बूस्टअप ये है अगर सीएसके के पास मुकेश चौधरी, दीपक चहर और शिवम दुबे, ये तीन प्लेयर होते हैं पेसर्स, तो ये एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तुषार देशपांडे को आराम से लेके आएंगे। मुझे पता है ये एक बॉलर को ही एज एन सब्स्टिट्यूट लेके आएंगे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे। तो वहाँ पे तुषार हो, शार्दुल हो, ऐसा भी हो सकता है मुकेश प्लस शार्दुल दोनों खेल जाए, तुषार देशपांडे को ये लोग लेके आ जाए। तुषार देशपांडे नॉर्मली मैंने देखा है डेथ में गेंदबाजी करते हैं, शार्दुल भी डेथ में गेंदबाजी करते हैं, तो वो दो हो गए। इसके अलावा अगर मुकेश चौधरी ये लोग लेके जाते हैं तो तीन, इन्हीं तीन में से कोई दो डेथ में गेंदबाजी करेगा, उसको आप लोग आराम से लेकर टीम में चले जाना। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। ध्यान रखिएगा टीम नंबर वन जो हमारा होता है वो हमारा स्मॉल लीग का भी टीम होता है और जीएल का भी टीम नंबर वन होता है। हमेशा से एक आंकलन रहता है, मेरा खुद का एक मानना होता है कि जीएल में वो लोग जो कहते हैं बेतुका टीम के साथ खेल लो, क्या बोलेंगे भैया अनुज रावत को कैप्टन दे दो, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आके 70-60 कर देगा। मैं वो प्लेयर नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जो जीएल में 59 या 49 लगा रहे हो, आपका 49 एट एनी कॉस्ट डूबना नहीं चाहिए। आपके कैप्टन अच्छा करे, वीसी अच्छा करे ना करे कोई मतलब नहीं है, टीम आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट किए हो वो रिटर्न दे दे, ऊपर जितना आ जाए उतनी अच्छी बात है। तो देखिएगा मैंने यहाँ पे अनुज रावत को लिया क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ये आ सकते हैं, अगर नहीं लगा तो कार्तिक भैया को ले लेंगे। बैटिंग से किंग कोहली, प्लेसिस और आर गायकवाड़ को मैंने अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। ऑलराउंडर से जडेजा, मैक्सवेल, रविंद्र, सिग्रीन को मैंने अपनी टीम में जगह दी है। बॉलिंग से सिराज, अलजारी और एम थिक्साना को मैंने अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। अब बात आती है कैप्टन विसी को लेकर। देखिए दुनिया कैप्टन विसी बनाएंगे किंग कोहली को, मैं कैप्टनसी का भार देने वाला हूँ यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को। रीजन क्या है कि सामने लेफ्टी भरे पड़े हैं प्लस बेहतरीन फील्डर भी हैं और रन भी कूट के बनाने वाले हैं। विसी मैंने दे दिया अपने सर जडेजा को। इनके पीछे रीजन क्या है, सामने अगर अनुज रावत एज एन इम्पैक्ट प्लेयर में नहीं आते हैं जिसको हम लोग फाइनल टीम हो सकता है बदल के कार्तिक को ले लें, तो वहां पे कौन आ जाएगा भैया आराम से, वहां पे आ जाएंगे कौन, एक एस प्रभु देसाई, वो नीचे आके खेलेंगे। तो टॉप ऑर्डर में बस एक ही लेफ्टी होगा महिपाल लॉन्गरोड, मतलब ये है कि जडेजा का आप ऑलमोस्ट 3 ओवर 4 ओवर देखोगे। ये हमारी टीम नंबर वन है जीएल की और स्मॉल लीग की। अब हम ये बात करते हैं जीएल टीम नंबर 2, 3, 4 क्या रहने वाली है इस मैच में। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि जीएल में आप अपनी स्ट्रैटेजी मत बदलो, अपनी एनालिसिस को मत बदलो, आप जो है ना सिर्फ वीसी बदल दो। कैप्टन वीसी को आप आपस में रोटेट कर सकते हो, टीम में स्ट्रैटेजी में आप किसी को भी मत बदलो अपनी टीम से। टीम नंबर 2 देखिएगा मेरा जीएल का, फिर से अनुज रावत को मैंने लिया। उसके अलावा टीम वही है विराट कोहली, प्लेसिस, गायकवाड, जडेजा, मैक्सवेल, रविंद्र, सिग्रीन, सिराज, जोसेफ और थिक्साना। कैप्टनसी फिर से मैक्सवेल, वीसी मैंने यहाँ पर दे दिए रचिन रविंद्र को क्योंकि ये भी इस मैच में ठीक ठाक गेंदबाजी कर सकते हैं, प्लस बल्लेबाज तो टॉप ऑर्डर में और मेंशन क्या रहेगा, ओपन करेगा, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, इंडिया में धागा खोल दिया था वैसा। फिर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे टीम नंबर 3, फिर से वही टीम है कैप्टन मैक्सवेल, वीसी अपना किंग कोहली। और बताइएगा किंग कोहली वर्सेज गायकवाड कौन इस मैच में अच्छा रन करने वाले हैं, कमेंट में अभी जाइए बताइए मुझे। ठीक है, मुझे सच बताऊँ तो मुझे लग रहा है ना गायकवाड किंग कोहली दोनों कल फ्लॉप जा सकता है, बाकी अपना आप जो है ना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे टीम नंबर 4 को लेके, वहां देखिएगा मैंने मैक्सी को कैप्टन, वीसी गायकवाड़ को दिया हुआ टीम वही रावत, विराट कोहली, फिर भादु प्लेसिस, जडेजा, अरविंद, सिग्रीन, सिराज, जोसेफ और एम थिक्साना को मैंने अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। ये चार हमारी जीएल की टीम है और टीम नंबर 1 हमारी जीएल प्लस स्मॉल लीग दोनों की है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से 55 करोड़
55 करोड़ के पीछे पढ़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपको छोटी छोटी अमाउंट से 55 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 2 लाख हो, बनानी है। 55 करोड़ के पीछे मत भागना, बहुत चला जाएगा। 49 लगा रहे हो, 300-400 में खुश रहो, ठीक है। धन्यवाद।